व्हाट्स अप, वेलकम बैक. फोकस में हूँ क्या मैं? यस. सो दिस इज एक्चुअली सेकंड टाइम मैं शूट कर रही हूँ इस वीडियो को. फर्स्ट टाइम का वीडियो पता नहीं कैसे डिफोकस पूरा चल रहा था, मैं पूरा ब्लर चल रही थी इंट्रो एंड आउट्रो में. सो फिर से आई एम शूटिंग दिस इंट्रो एंड आउट्रो. सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट. फाइनली द वेट इज ओवर. यस, आई एम गोना शो यू माई स्मॉल वैनिटी, माई ड्रीम वैनिटी डोर, माई मेकअप, माई स्किन केयर, ज्वेलरी, सबका कलेक्शन यहीं पे है. और रूम टूर भी आने वाला है, आई थिंक वो जनवरी में आएगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. लाइक आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग माई रूम. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ गाइज, थैंक यू सो 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 मच फॉर सपोर्टिंग मी. अगर आप नहीं होते ना तो ये कभी भी सच नहीं हो पाता मेरे ड्रीम को सच बनाने के लिए. थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, आई लव यू ऑल गाइज. सो या लेट्स नॉट मेक द इंट्रो बिग एंड बोरिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे मिलेगा कि ये आपने कहाँ से लिया है. सो ये कस्टम मेड है एंड ये एक्चुअली सेम, नॉट सेम बट ऐसा पूरा जिसमें मुझे चाहिए था ना, ये शायद आइकिया पे है, लेकिन आइकिया कोलकाता में डिलीवरी नहीं देता, कोलकाता में कोई स्टोर नहीं है. सो एक्चुअली वी आर नॉट दैट लकी. सो मुझे इसे बनवाना पड़ा एंड ये काफ़ी अच्छा बना है. मुझे जैसा चाहिए था वैसा बना है, बट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें. होल एक ड्रॉयर में ऐसा होल है पकड़ने के लिए, निकालने के लिए, जो मुझे नहीं चाहिए था. मुझे पूरा प्लेन चाहिए था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया एंड देन बनाना पड़ा ये होल. बट अदरवाइज आई थिंक आई लव माई चेस्ट ऑफ ड्रॉयर. सो यहाँ पे एक्चुअली टोटल 8 ड्रॉयर्स है, 4 ईच साइड. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप पोर्शन फर्स्ट. सो फर्स्ट यहाँ पे यू विल सी माई मिरर, जो मैं एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ. इज द बिग मिरर आई हैव लाइक फॉर माई मेकअप एंड दिस इज आई बॉट इट फ्रॉम अमेजन. नेक्स्ट यहाँ पे मेरा है एक मिरर ग्लास ट्रे. एक्चुअली इज मेड ऑफ ग्लास, लाइक ओरिजिनल ग्लास, इट्स नॉट प्लास्टिक, इट लुक्स लाइक वन दो. एंड इसके ऊपर ना आई हैव किप्ट ऑल माई परफ्यूम्स. लाइक यहाँ पे है नायका का परफ्यूम, दिस इज नायका. देन यहाँ पे है मोमोसो परफ्यूम. देन यहाँ पे मिनीसो का परफ्यूम है एंड यहाँ पे दो कैंडल है फ्रॉम मिनीसो. एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे 3 नेल पॉलिश रखा है. यहाँ पे दो नजर आ रहा होगा आपको, बॉडी शॉप का परफ्यूम, ये न्यू परचेस है एंड ये जो है मेरा पुराना वाला है वैनिला वाला, जो बहुत ही, ये दोनों का, दोनों स्मेल ना काफ़ी लाइक सुंदर है. एंड देन आई हैव वन मोर मिनीसो परफ्यूम जो मैंने मेरा मिनीसो हॉल पे शेयर किया था. सो दिस इज एरियल फ्री ऑफ प्रेजुडिस परफ्यूम, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है तो इसलिए यहाँ पे है. देन यहाँ पे एक छोटा सा शोपीस है जिसके अंदर एक छोटा सा लेटर है, ये एक्चुअली गिफ्टेड है तो इसलिए यहाँ पे है. नेक्स्ट आई हैव दिस क्यूट वाज हियर जो मैंने दीदी ने बनाई है, लाइक दीदी ने डिज़ाइन किया है एंड यहाँ पे मैंने दो फ्लावर्स एड किया है. ये जो है मैंने परचेज किया था फ्रॉम होम सेंटर. नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हेलो. सो ये है येस माई सिल्वर प्ले बटन, जो मैंने एक्चुअली इसमें ना इसके ऊपर पर्टिकुलर कोई वीडियो बनाया नहीं था. आप लोग पूछ रहे थे ये कब बनाओगे, आपको मिला है कि नहीं आपका सिल्वर प्ले बटन एंड ऑल. सो ये दिस इज माई सिल्वर प्ले बटन. यहाँ पे लिखा है शर्मिली चक्रवर्ती फॉर पासिंग 1 lakh सब्सक्राइबर्स फ्रॉम यूट्यूब एंड या दिस इज माई ड्रीम. सो नेक्स्ट मेरे पास नीचे इसका जो है ना, ये मैंने परचेज किया था फ्रॉम मोमोसो स्टोर. सो यहाँ पे मैं रखती हूँ माई डेली इयरिंग्स, डेली ड्रॉप इयरिंग्स जो है गोल्डन. यहाँ पे मेरा कुछ हेयर क्लिप्स है, सब स्पार्कली आइटम्स यहाँ पे आपको मिलेगा, लाइक चमकता हुआ चीज़ें मैंने यहाँ पे रखा है ना, बैकग्राउंड पे ना अच्छा लगता है. एंड क्योंकि ये क्लियर बॉक्स है, ये प्लास्टिक का है, क्लियर बॉक्स है तो इसलिए और भी अच्छा लगता है इसके अंदर से. इसके पास जो है आपको दिख रहा होगा कुछ गंदा ब्रशेस जो मैंने काफ़ी दिनों से एक्चुअली वॉश नहीं किया है. बट एनीवे ये जो है, ये है मिनीसो का ब्रश सेट जो मैंने हॉल पे शो किया था. अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करो ना, भी जाके देखो. यहाँ पे कुछ अमेजन का ब्रशेज है एंड ये जो ब्रश स्टैंड मैंने लिया है ये है अमेजन का. यहाँ पे ना आई हैव केप्ट ऑल कलरफुल ब्रशेज, थोड़ा स्पार्कली ब्रशेज ताकि ना अच्छा लगेगा बैकग्राउंड में, थोड़ा स्पार्कली इफेक्ट आएगा, कलरफुल आएगा, बिकॉज मेरा पूरा घर जो है आपको वाइट नजर आएगा. नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक शोपीस कम जूस बॉटल, जूस ग्लास, व्हाटएवर यू कैन से. इट लुक्स लाइक अ बल्ब बट ये जो है इसे आप ओपन कर सकते हो यहाँ से एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉ है. ये मैंने परचेस किया था अगेन होम सेंटर के स्टोर से, कोलकाता में है वो, भवानीपुर में. सो यस, यहाँ पे मेरा पूरा जो टॉप पोर्शन है ख़त्म होता है एंड इट लुक्स एक्चुअली ब्यूटीफुल. आई डोंट नो कि मैं कब तक ये रखने वाली हूँ, ऐसा मैं चेंज कर सकती हूँ शायद. लेट्स स्टार्ट विद दिस, टेक दिस ड्रॉयर्स फर्स्ट. सो फर्स्ट जो यहाँ पे लेफ्ट ड्रॉयर पे है, ये सब मेरा स्किन केयर आइटम्स है. ये मेरा ना डेली स्किन केयर आइटम्स जो मुझे, जो मैं हर रोज लाइक रेगुलरली यूज करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द बैक फर्स्ट. यहाँ पे न्यूट्रोजिना का हाइड्रोबूस्ट जेल है, मॉइस्चराइजर है एंड देन देयर इज प्लम का
फेस पैक, ग्रीन टी फेस पैक, देन प्लम का कैमोमिल फेस पैक है नीचे, यहाँ पे है डॉटन की का सिका कामिंग जेल, देन देर इज उपटन फेस मास्क, इसके नीचे भी कुछ नहीं है. यहाँ पे फिर से एक उपटन नाइट फेस मास्क है, इसके नीचे एलोवेरा जेल है प्लम का. आई हैव दिस टोनर जो मैं अभी रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ, प्लम का टोनर. यहाँ पे आई हैव ममार्थ का बाय बाय ब्लेमिश फेस क्रीम, इसे मैं ना कभी कभार यूज़ कर लेती जब मुझे चाहिए होता है. देन आई हैव सम न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम ममार्थ, उपटन डे क्रीम एंड नाइट क्रीम जो मैंने शो किया था. एक्चुअली बहुत अच्छा ये SPF है तो इसलिए मैंने रखा ही, क्योंकि मैं इसे डे टाइम यूज़ करती हूँ अभी. नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास कुछ सीरम्स है, लाइक दिस इज एक्सफोलिएटर, केमिकल एक्सफोलिएटर बाय डॉक्टर शेड्स. यहाँ पे है मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड, 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम. आई एम स्टिल कन्फ्यूज अबाउट दिस प्रोडक्ट, एक्चुअली पता नहीं क्या काम कर रहा है, आई डोंट नो. नेक्स्ट मेरे पास है ये सीरम क्लोविया बोटानिका का, यहाँ पे लैक्मे परफेक्ट रेडियंस सीरम है. देन यहाँ पे दो हेयर सीरम्स है जिसे मैं यूज़ करती हूँ लाइक ऑन एंड ऑफ. नेक्स्ट यहाँ पे है ममार्थ का ही स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम, देन यहाँ पे है पिलग्रिम का नाइसिनामाइड सीरम, देन यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड सीरम बाय लॉरियल, देन यहाँ पे है कामा आयुर्वेदा कुमकुमादी सीरम, यहाँ पे प्लम का विटामिन सी सीरम है जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे है ममार्थ का फेस सीरम, उपटन फेस सीरम जो मैं एक्चुअली ख़त्म कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट, इसे मैं अभी विंटर में यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी वेरी हाइड्रेटिंग. यहाँ पे है मेरा ऑल टाइम फेवरेट लिप बाम डॉटन की का लिप बाम, एंड लेट्स कीप इट हियर. And then there is this night gel by Plum, which you know guys, I love this one. यहाँ पे मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइजर है, लॉरियल का मॉइस्चराइजर है जो कि बहुत हाइड्रेटिंग है, हाइलुरोनिक एसिड वाला, तो इसे मैं यूज़ कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम पे. फेशियल ऑयल जो आई नीड फॉर माई मेकअप. यहाँ पे मेरा कुछ लिप बाम्स है, एंड यहाँ पे एक हैंड क्रीम है नायका का जो मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे याद रहता है तो. एंड यहाँ पे पॉन्स का सुपर लाइट जेल, पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइजर, लैक्मे का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर, ये सब मैं नो यूज़ करती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ. नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे प्लम का क्लिनजिंग बाम, देन यहाँ पे कुछ वाइप्स जो मुझे चाहिए होते हैं रेगुलर, यहाँ पे बॉडी लोशन, यहाँ पे कुछ शीट मास्क लाइक जो जो भी है मेरे पास अभी यहाँ पे ही मैंने स्टोर करके रखा है. देन यहाँ पे एक निरोली कामा का निरोली वाटर है जिसे मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ. यहाँ पे जो सनस्क्रीन है इसे मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ ये सनस्क्रीन को. ये नीचे आपको दिखेगा मेरा चश्मा, यस हैना चश्मेश, आपका अगर नहीं पता है तो. ये पे मेरा क्लिनजिंग वाइप एंड एक मास्क, आप क्लिनजिंग यहाँ पे सिलिकोनी कुछ दिख रहा होगा, तो मैं अपना ब्रश क्लीन करती हूँ. एंड यहाँ पे मेरा आपको लेंस का सॉल्यूशन दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे मेरा हेयर ब्रशेज रहता है, एंड देन देर इज सम लेंसेज जो मैं वेयर करती हूँ रेगुलर बेसिस पे. यहाँ पे मेरा रेजर का रिफिल रहता है, एंड यहाँ पे कुछ ना नेल्स का सामान रहता है लाइक बफर एंड नेल कटर एंड क्यूटिकल पुशर सब यहाँ पे है. सेकंड ड्रॉयर पे मेरे पास है कुछ ज्वेलरीज, लाइक जितना भी है ज्वेलरीज वो सब यहाँ पे है. मैंने ऑलरेडी एक बार शेयर किया था वीडियो पूरा कलेक्शन पे, आपको अगर और एक बार देखने के बहुत सारा एड ऑन हुआ है तो आपको देखना है तो ज़रूर कमेंट करने के बताना, मैं दिखाऊंगी. सो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है ये सब मेरा आई लैशेज है, ये चारों दिख रहा है आपका अमेजन का है. ये सब मैंने मुझे एक्चुअली PR में मिला था, द गुड लैशेज, काफ़ी अच्छा लैशेज है यू गाइज, लाइक दिस इज़ रियली गुड. रूफा ब्यूटी का लैशेज है, देन आई हैव सम हिलारी डोरा लैशेज एंड सम रैंडम लैशेज जो मैंने परचेज किया था 50 rupees में स्प्लैनेट से, लाइक लोकल स्टोर से. यहाँ पे है हुरा ब्यूटी का लैशेज, ओ माई गॉड दिस इज सो ब्यूटिफुल, पैक का लैशेज एंड स्विस ब्यूटी का, तो माई गॉड सुपर अफोर्डेबल सुपर गुड वन. नेक्स्ट जो थर्ड ड्रॉयर है यहाँ पे आपको जरा जंगली नजर आ रहा होगा बिकॉज ये मैंने एक्चुअली अभी तक उतना टाइम नहीं मिला मुझे ये ठीक करने में. तो यहाँ पे ना मेरे सब अप्लायंसेज है लाइक माई हेयर टूल्स ब्रशेज, लाइक माई स्ट्रेटनिंग ब्रश, देर इज माई हेयर ड्रायर, एंड ये जो है मेरा दिस इज माई एपिलेटर लाइक हेयर रिमूवल के लिए है ये भी, इसे मैं अंडर आर्म पे यूज़ करती हूँ. एंड उसके लिए जो मुझे चाहिए होता है लाइक जॉनसन का बेबी पाउडर यूज़ करती हूँ मैं हेयर रिमूवल के टाइम. सो वो है मेरा माइसेला वाटर है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जॉनसन का बेबी ऑयल है जो मुझे चाहिए होता है फेस सेविंग के लिए, एंड देन यहाँ पे मेरा जो है कर्लिंग आयरन है आयरन ट्रिमर का. सो ये एक्चुअली मुझे ये ड्रॉयर अभी तक सेटल नहीं किया है मैंने, सो ये मुझे अभी सब सेट करना है. नेक्स्ट ड्रॉयर भी थोड़ा मेसी है जो मुझे नो बहुत ही रेयर चाहिए होता है वो सब यहाँ पे है. यहाँ पे भी सब स्किन केयर आइटम्स ही है मोस्टली,
कुछ कुछ स्टोरेज लाइक स्टोरेज स्मॉल स्टोरेज कह सकते हो आप। ये दोनों मिनीसो का है, मैंने निसन परचेज किया है। ये जो है मेरा शार्क ऐप है, दिस इज फेशियल रेजर्स, एंड ये भी और एक फेशियल रेजर आपको मिलेगा मिनीसो का। ये पे मेरा हेयर बैंड है, मेरा हेयर स्प्रे है, एंड दिस इज डैंड्रफ का लोशन। या इसे मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। बाय द वे जब मैंने बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है तब मैं इसे यूज़ करती हूँ इसे। तो ये जो है मेरा पूरा यहाँ पे सब मेकअप का सामान है। सो फर्स्ट ड्रॉयर में यहाँ पे मैंने अपना फाउंडेशन लाइक बेस मेकअप एंड ब्रशेज रखा हुआ है स्पेशली। सो यहाँ पे मेरा जो है कंसीलर्स है, पैक, मेबेलिन, लॉरियल, पैक अगेन, लैक्मे, नेक्स, एंड यहाँ पे जो है मेरा सब क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं ओह सॉरी कलर करेक्टर्स है, कलर करेक्टर सिंगल कलर करेक्टर्स भी है, एंड आई हैव पैलेट्स, एंड यहाँ पे आई हैव अ लिप टिंट जो आई नीड फॉर लाइक जो आई नीड रेगुलरली, एंड यहाँ पे मेरा फाउंडेशन है। आई थिंक मेरा बॉक्स छोटा है, मुझे इसे एक्चुअली बड़ा करना पड़ेगा, लाइक स्पेस बड़ा करना पड़ेगा फॉर माई फाउंडेशन, क्योंकि और जगह नहीं है इसमें रखने के लिए। यहाँ पे श्योर का फाउंडेशन है, स्टिक फाउंडेशन, देन लॉरियल का इन्फेलेबल फाउंडेशन, एलेगर्ल फाउंडेशन, नायका का बीबी क्रीम, देन बायोटिक का फाउंडेशन, लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन, मेबेलिन फाउंडेशन आपको लिखेगा काफ़ी सारा शेड्स, देन यहाँ पे मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, वेट एंड वाइल्ड का दो फाउंडेशन है मेरे पास, दो शेड, देन आई हैव मार्स बीबी क्रीम, मिलानी फाउंडेशन, इनसाइट का फाउंडेशन, देन लैक्मे का फाउंडेशन, मेकअप रेवोल्यूशन का स्टिक। ये काफ़ी अच्छा स्टिक है भाई, तो फुल कवरेज स्टिक है, काफ़ी अच्छा फिनिश देता है, बट थोड़ा सा लाइट है ना इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं करती उतना ज़्यादा। नायका का फाउंडेशन है, देन आई हैव हुडा ब्यूटी फाउंडेशन, दिस इज़ वन एंड ओनली हाई एंड फाउंडेशन दैट आई हैव, लैक्मे का फाउंडेशन, देन देयर इज कप्स एंड लैशेज वन, पैक, मिस क्लेयर, देन देयर इज NYBae, लॉरियल अगेन, स्टे क्वर्की, पर्पल। यहाँ पे आई हैव माई पेंसिल्स, आई पेंसिल्स, आई लाइनर्स, स्केच लाइनर्स जो भी है वो सब यहाँ पे है, एंड दो आपको यहाँ पे फेशियल रिजल्ट दिख रहा होगा जो मैं अभी यूज़ करती हूँ, लिप लाइनर्स सब यहाँ पे है। देन यहाँ पे जो पार्ट है ये सब जो है दिस इज लाइक क्या ये, हाँ ये सब फेस प्राइमर्स है, पर्पल, यहाँ पे बिरला पैलेस का मॉइस्चराइजर है, देन देयर इज हुडा ब्यूटी, हुडा ब्यूटी हाँ जेल समथिंग जेल प्राइमर, ब्लू हेवन, देन देयर इज कलर बार, देन मार्स, स्वीस ब्यूटी, लैक्मे, मार्स अगेन, स्टे क्वर्की प्राइमर बेस, लाइक सॉरी बेस नहीं है फेशियल ऑयल है तो बेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये सब। देन आई हैव वेट एंड वाइल्ड का मैट प्राइमर, स्टे क्वर्की, मार्स अगेन, देन लैक्मे का जेल, नायका, मेबेलिन अगेन, ये क्या है मिस क्लेयर, देन देयर इज अगेन स्टे क्वर्की एंड ब्लू हेवन एंड शुगर एंड अगेन मेबेलिन। यहाँ पे सब है फेस ब्रशेस, ये एक्चुअली मैंने दीदी ने गिफ्ट किया था बर्थडे पे, ये जो बक्सा आपको दिख रहा है ना का स्टोरेज बॉक्स टाइप ऑफ, ये काफ़ी स्टर्डी है। यहाँ पे मेरे सब फेस ब्रशेस है, यहाँ पे मेरा आई ब्रशेस, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेज है, एंड यहाँ पे सब रैंडम आइटम्स हैं लाइक एक ब्रश, दो पेन, फेशियल रेजर, सीजर्स, सम जो मुझे चाहिए होता है पार्सल ओपन करने के लिए, दो लिपस्टिक्स जो मैं अभी रेगुलरली वेयर कर रही हूँ तो इसलिए मैंने ऊपर रखा है, एंड देन यहाँ पे फिर से एक जी लिप एंड चिक टिंट है, यहाँ पे दो आईलैश ग्लू है, एंड यहाँ पे ना मैंने अपना स्क्रंचीज एंड क्लचर्स अभी रखा हुआ है, हेयर टाई वाला पार्ट में है यहाँ पे है। नेक्स्ट ड्रॉयर है, नेक्स्ट ड्रॉयर मैं बाद में दिखाऊंगी बिकॉज इसमें है मेरा आई शेडो पैलेट्स, सो ये मैं बाद में दिखाती हूँ, सबसे पहले ना मैं नीचे स्टार्ट करती हूँ। सो नीचे है मेरा लिपस्टिक जो मुझे नीचे नहीं रखना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए था, आई डोंट नो मैंने इसे नीचे क्यों रखा है, चेंज करना है मुझे एक्चुअली। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा ये छोटा सा बक्सा है, मेरे पास ना ज़्यादा लिपस्टिक का कलेक्शन है नहीं, सो ये जो है ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये है लिक्विड लिपस्टिक का कलेक्शन, लाइक जो भी लिक्विड लिपस्टिक है वो सब यहाँ पे है। यहाँ पे है सब स्टिक लिपस्टिक्स का कलेक्शन लाइक लैक्मे, मसाबा, नायका, नायका, लैक्मे अगेन, कप्स एंड लैशेज, मार्स एंड लॉरियल, दिस इज कनाडा, मेबेलिन। सो नेक्स्ट यहाँ पे है मेरा छोटा सा बक्सा जहाँ पे मैंने सब मेरा मेकअप सेटिंग स्प्रे जो है रखा हुआ है, पैक, दिस इज कनाडा, शुगर, देन देर इज वेट एंड वाइल्ड एंड निक्स का मैट सेटिंग स्प्रे, ब्लू हेवन, मेबेलिन, देन देर इज हुडा ब्यूटी,
मिस क्लेयर एंड अगेन वेट इन वाइल्ड. यहाँ पे मैंने रखा है कुछ आई लाइनर्स लाइक ब्लू हेवन, देन देर इज मेबलिन, लैकमे, विक अप कप्स लैशेस का भी है. आई हैव फेसेस कनाडा एंड डेल बॉस्ते एंड या छोटा बहुत थोड़ा बहुत है यहाँ पे इनसाइड का है. एंड यहाँ पे मैंने अपना मेकअप सॉरी नेल पॉलिश रिमूवर्स यहाँ पे रखा है दो, एक मार्स का है और एक मिनीसो का है. एंड यहाँ पे कुछ आपको नेल पॉलिशेस नज़र आ रहा होगा यहाँ पे एंड यहाँ पर भी है. नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे सब हाइलाइटर, कॉन्टोर्स एंड यहाँ पे कॉम्पैक्ट्स एंड यहाँ पे मस्कारा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एरिया फर्स्ट, जो कि काफ़ी बड़ा बक्सा है लेकिन फिर भी बड़ा करना है और थोड़ा सा किसी और आपको देख सकते हो मैंने ऊपर ऊपर रखा हुआ है. सो इस सेक्शन पे जो है मेरा सब हाइलाइटर्स है एंड इस वाले पार्ट पे मेरा सब ब्लश है एंड यहाँ पे मेरा सब ब्रॉन्जर एंड कॉन्टोर प्रोडक्ट्स है. यहाँ पे थोड़ा बहुत लिक्विड एंड स्टिक हाइलाइटर्स, कॉन्टोर्स वो सब मैंने यहाँ पे रखा है. लेट्स सी पीछे क्या है मेरे पास. और ये है फेसेस कनाडा का फेस पैलेट. देन आई हैव मेबलिन का हाइलाइटर जो कि पूरा टूट चुका है, तो मैं शिफ्टिंग के टाइम पे ना ऐसे करके लाई थी इसे बिकॉज आई डिडंट वांट टू थ्रो इट. काफ़ी सारा है इसमें अभी भी. देन देयर इज हुडा ब्यूटी का टंटोर क्रीम कॉन्टोर जो मैंने यहाँ पे रखा है. इस रोज का हाईलाइटर, देन देयर इज स्विस ब्यूटी हाईलाइटर्स, शिवाना कलर्स अगेन स्विस ब्यूटी, देन फेसेस कनाडा का हाईलाइटर. ये कौन सा है, हाँ ये एल्फ का है, ये काफ़ी अच्छा है. लैक्मे हाईलाइटर, देन स्विस ब्यूटी अगेन, मार्स, स्विस ब्यूटी अगेन, ये है शुगर का हाईलाइटर, देन कप्स एंड लैशेज का, एंड दिस इज मार्स. ये जो है ये ZNM का. देन आई हैव वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर, आई हैव के ब्यूटी का हाईलाइटर, यहाँ पे छोटा मिनी बे का हाईलाइटर, यहाँ पे मेबलिन का आपको स्ट्रोबिंग क्रीम नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे है रिमल लडन का स्कल्टिंग सेट लाइक पैलेट, यहाँ पे है हुडा ब्यूटी का 3D हाईलाइटर पैलेट. सो यहाँ पे है मेरे पास ब्लू हेवन का टूटा फूटा ब्रशेज जो इसने नीचे रखा है. देन बायोटिक का ब्लश काफ़ी फेवरेट है मेरा, कलर बार का ब्लश. देन आई हैव सी यहाँ पे एक्चुअली नहीं हो रहा है और जगह, यहाँ पे है फेसेस कनाडा ब्लश, देन आई हैव के ब्यूटी ब्लश विच इज़ अमेजिंग बाय द वे, लिटरली जस्ट गो फॉर इट. यहाँ पे है एली कलर्स ब्लश, देन यहाँ पे शुगर ब्लश, कप्स लैशेज, देन मेबलिन, देन मिस क्लेयर, ये क्या है, या ब्लू हेवन, लैक्मे एंड फ्लावर ब्यूटिका, देन माई ग्लैम, दिस इज वेट एंड वाइल्ड, दिस इज रेवल्यूशन. नेक्स्ट अप आई हैव यह हाँ फिजिशियन फार्मूला बटर ब्रॉन्जर है, कप्स एंड लैशेज का ब्रॉन्जर है, स्टेक वर्की का ब्लश टर्म ब्रॉन्जर है यहाँ पे जो टूट गया एक्चुअली. एंड देन आई हैव मिस क्लेयर का हाइलाइटर पैलेट, यहाँ पे है क्या है ये नायका का ब्लश पैलेट, यस यहाँ पे है शुगर का ब्रॉन्जर, यहाँ पे है नायका का हाइलाइटर एंड कॉन्टोर सेट. देन यहाँ पे आई हैव अ न्यू प्रोडक्ट जो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी. यहाँ पे है पर्पल का डुओ हाइलाइटर स्टिक, देन लैक्मे का लिक्विड हाइलाइटर, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिया है फुल ट्यूटोरियल एंड इट्स इज अमेजिंग यू गाइज, प्लीज डू चेक आउट दैट वीडियो, ऊपर मैं लिंक दे दूंगी आपको. यहाँ पे आई हैव स्टिक ब्लश बाय स्विस ब्यूटी, स्टिक हाइलाइटर बाय मार्स, के ब्यूटी का कॉन्टोर, नायका लिक्विड स्ट्रोब या लिक्विड हाइलाइटर, एंड आई थिंक यहाँ पे ख़त्म. एंड यहाँ पे आई हैव वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर जो कि एक्चुअली यहाँ पे रखने का जगह नहीं था. एंड देन आई हैव शुगर का हाईलाइटर पैलेट. नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा सब पाउडर एंड कॉम्पैक्ट्स, लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट्स, हुडा ब्यूटी एंड ब्लू हेवन, बेल वॉस्ते, स्टेक वर्की, के ब्यूटी, नायका, देन मार्स लूज पाउडर, लैक्मे कॉम्पैक्ट, ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट विच इज़ वेरी गुड बाय द वे, मिस क्लेयर कॉम्पैक्ट, आई हैव ब्लू हेवन का अगेन सफायर लूज पाउडर, अगेन मार्स का है, एंड दिस इज स्टिक वर्की, स्विस ब्यूटी फेसिस का कॉम्पैक्ट जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, स्टेक वर्की का कॉम्पैक्ट विच इज़ न्यू, मैं इसे बाद में दिखाऊंगी, इस इज़ शुगर का लूज पाउडर, ये जो है ये स्विस ब्यूटी का पैमेंट सेट लूज पाउडर है, ट्रांसलूसेंट पाउडर है, यहाँ पे कॉन्टोर सॉरी कप्स एंड लैशेज का बनाना पाउडर, बनाना कॉम्पैक्ट, इनसाइड का पाउडर, देन आई हैव मेबलिन का
एंड मेबेलिन का लूज पाउडर भी. सो एंड हाँ यहाँ पे इनसाइड का भी है. लेट मी सी, यहाँ पे ब्लू हेवन है, मिस क्लेयर है, फेस शॉप, मेबेलिन, मार्स, कलर बार, फेसिस कनाडा, वेट एंड वाइल्ड, लैक्मे, एसेंस का है, अगेन वेट एंड वाइल्ड, देन देयर इज हुडा ब्यूटी मस्कारा, शुगर का मस्कारा, वेट एंड वाइल्ड अगेन, देन यहाँ पे दिस इज द रिमेल लंडन मस्कारा, देन यहाँ पे इनसाइड का मस्कारा है जो कोई काम का नहीं है बट यहाँ पे है, अभी तक मैंने फेंका नहीं है. ये दिस इज मेबेलिन मस्कारा, अगेन माई फेवरेट, नाइक का मस्कारा, देन यहाँ पे है फॉरवर 52 का मस्कारा, घटिया मस्कारा, डोंट परचेज इट. देन आई हैव यहाँ पे लॉरियल का मस्कारा विच इज़ अमेजिंग बाई द वे, एंड यहाँ पे लास्ट आई हैव मिनी मस्कारा बाई टू फेस्ड. सो ये जो है मेरा आई शेडो पैलेट्स का ड्रॉयर है. काफ़ी छोटा सा कलेक्शन है बट मैंने काफ़ी मेहनत से ये सब कलेक्ट किया है. मैंने स्टार्ट किया था एक पैलेट से एंड नाउ आई हैव इतना सारा आई शेडो पैलेट्स. आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल, लाइक थैंक यू गाइस. पीछे आई हैव यू कैन बी का फ्रूट पाई फिलिंग पैलेट, मैंने परचेज किया था अमेजन से, 999 रुपीज़ है. बहुत ब्यूटीफुल कलर्स है इसमें, लेट मी शो यू ब्यूटीफुल कलर स्टोरी, लाइक कलरफुल, देयर इज मैथ शिमर्स, लुक एट दिस ब्लू शेड यू गाइस एंड दिस मेटालिक शेड, ओह माय गॉड इट्स ब्यूटीफुल. नेक्स्ट अप आई हैव दिस, ये कौन सा कलर मैं भूल गई थी, हाँ ब्यूटी ग्लेस्ड का कलर स्टूडियो प्रेस्ड पाउडर आई शेडो. आई परचेस्ड इट फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज. इसमें मैथ्स है एंड शिमर्स है. मैट्स आर एक्सट्रीमली पिगमेंटेड. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट्स. काफ़ी अच्छा है, लाइक वर्थ इन्वेस्टिंग वाला पैलेट है. नेक्स्ट आई हैव यहाँ पे हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड रिमास्टर्ड पैलेट. ब्यूटिफुल पैकेजिंग. दीज आर द कलर्स. ओ माई गॉड दीज आर लिटरली ब्यूटिफुल. ब्यूटी ग्लेज कलर बोर्ड पैलेट. एसएफआर लैवेंडर शेडो पैलेट पॉटेड फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज. मिस क्लेयर आई शेडो अल्ट्रा ग्लो आई शेडो पैलेट. न्यूट्रल परफेक्ट बिगिनर फ्रेंडली शेड्स. नेक्स्ट मेरे पास है मार्स का आई शेडो पैलेट. देन यहाँ पे है मेबेलिन. देन देर इज हिलारी रोडा आई शेडो पैलेट. देन देर इज अगेन स्विस ब्यूटी विच इज़ वेरी अफोर्डेबल. नेक्स्ट मेरे पास है शुगर का आई शेडो पैलेट. ब्यूटिफुल शेड्स. एसएफआर का फोटो फिक्स पैलेट. नॉट दैट ग्रेट बट इट इज टू क्यूट. निका के शुगर कोट पैलेट, वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट्स. डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट. देन यहाँ पे है वेट एंड वाइल्ड का पैलेट. पीछे है मेरे पास यहाँ पे हिलारी रोडा का पैलेट. देन यहाँ पे है मार्स का आई शेडो पैलेट. देन यहाँ पे है आई मैजिक 36 कलर आई शेडो पैलेट बॉडीड फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज अगेन. And this is beautiful, gorgeous. Like there are greens, blues, purples, reds, white. What else you need? And the yellows are really very pigmented. Next, मेरे पास है Swiss Beauty का shadow palette, 32 color. I have Huda Beauty का naughty nude palette. Look at the shades. It's beautiful. I especially love these shimmery cum metallic shades. These are gorgeous. Next, मेरे पास है again एक face palette by Swiss Beauty. Super affordable, super good in quality. नेक्स्ट है नायका का आई शेडो पैलेट. नायका अगेन. देन देर इज लैक्मे आई शेडो पैलेट. यहाँ पे आपको मैं देखा मेरा एसी का रिमोट, या इसमें जगह नहीं मिल रहा था रखने का. यहाँ पे है मेरा एसएफआर का हेरिट विद लव पैलेट. अमेजिंग पैलेट, गुड क्वालिटी. देन इसके नीचे आपको यहाँ पे कफ्स एंड लैशेज का इंचैंटिंग पैलेट दिख रहा होगा जो भी काफ़ी खूबसूरत पैलेट है. देन यहाँ पे मेरे पास है लिक्विड ग्लिटर आई शेडोज फ्रॉम मार्स, स्विस ब्यूटी, ब्लू हेवन, इनसाइट, के ब्यूटी का शिमर स्टिक है आई शेडो स्टिक. यहाँ पे एल्फ का आई शेडो पैलेट है. देन यहाँ पे फेसिस कनाडा का पैलेट है. मेरा स्पंज, एक ब्यूटीफुल स्विस ब्यूटी का आई शेडो रोल ऑन स्टिक है ये. सो दिस इज मार्स आई बिलोंग टू योर पर्स आई शेडो पैलेट. परफेक्ट फॉर बिगिनर्स विथ अ मिरर ऑफ कोर्स. वेरी अफोर्डेबल, वेरी गुड. डू चेक आउट वाटरमेलन. निका के वाटरमेलन स्प्लैश पैलेट, जाके ऑटम स्पाइस पैलेट. देन आई हैव मोका मिक्स फ्रॉम द सेम रेंज. आई हैव एसीफार का सफायर ऑब्सेशन पैलेट. यहाँ पे है निका के का शैडो पैलेट, बर्थडे केक, कलरफुल शेड्स. देन आई हैव स्विस ब्यूटी, काफ़ी पुराना पैलेट है ये. देन आई हैव दिस न्यू ब्लू हेवन आई शैडो पैलेट.
जो मैं यूज़ करने वाली हूँ बहुत जल्दी. देन आई हैव स्टेक वर्क ही पिगमेंटर शिमर्स है, थोड़ा सा पाउडरी है जो मैट्स है, बट यू कैन मैनेज एक्चुअली. देन आई हैव SFR स्ट्रॉबेरी शेक पैलेट, ब्यूटिफुल शेड एंड वेरी क्यूट पैकेजिंग. आई लव द पैकेजिंग. यू विल गेट अ मिरर एंड प्रिटी पैलेट. नेक्स्ट सेम मेरे पास SFR का ही बेबी गॉट पेज पैलेट है. अगेन आई हैव SFR कलर ट्रस्ट माई लक पैलेट, दिस इज अ ग्रीन पैलेट. नेक्स्ट आई हैव दिस कस्टम लैशेज लव लव पैलेट, वेरी पिगमेंटेड, ये जो है प्रेस ग्लिटर है. नेक्स्ट अप आई हैव अगेन वन मार्स पैलेट, आई बिलोंग टू योर पर्स पैलेट, बट दिस इज न्यूट्रल शेड लाइक न्यूड वर्जन. नेक्स्ट आई हैव अगेन SFR ब्लूबेरी ब्लूबेरी पैलेट. यहाँ पे है कफ्स एंड लैशेस का हैंडी डैंडी पैलेट. नेक्स्ट मेरे पास अगेन एक लैक्मे का पैलेट, यहाँ पे ऊपर से मैट शेड्स है, चार मैट शेड्स हैं, बाकी अब शिमर शेड्स है. द लास्ट पैलेट आई हैव इज अगेन बाय निका के, दिस इज शुगर प्लम पैलेट, वेरी ब्यूटिफुल शेड्स, पिगमेंटेशन इज ब्यूटिफुल, लुक एट द ग्लिटर्स यू गाइस, आई मीन ओ माई गॉड इट्स beautiful palettes. Nikake one is like very good and Mars one. So yeah, ये जो है मेरा सब आई शेडो पैलेट्स का कलेक्शन है यहाँ पे. So yeah guys, that was it for today's video. I hope you guys enjoyed it and comment करके जरूर बताना कि आपको मेरा ड्रीम वैनिटी टूर मेकअप कलेक्शन कैसा लगा. एंड बाय द वे, इफ यू आर वॉन्डरिंग अबाउट माय हेयर स्टाइल, मैंने इसका ऑलरेडी शायद वीडियो अपलोड कर लिया है या फिर करने वाली हूँ. मैंने टोटल 3 हेयर स्टाइल्स क्रिएट किया है फॉर दिस वेडिंग सीजन, लाइक बन हेयर स्टाइल्स, जो कि बहुत ही इजी पीजी है. जरूर देखना अगर हो गया अपलोड, तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, ऊपर क्लिक करके देख लेना जाके. एंड yeah, that's it for today's video. I'll see you guys in my next one. Till then, bye, take care, and I love you all.